शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले ही किसान कोरोना के चलते परेशानियों से जूझ रहा है, फिर भी इस वर्ष सोयाबीन के फसल की बुआई के समय पहले बारिश हुई, फिर बारिश थम गई। इस कारण किसान बुआई के समय संकट में गिरे और दोबारा बुआई कराई गई। अभी समय समय पर बारिश बरसती रही, इस वजह से सोयाबीन की फसल को काफी राहत मिली। अभी सोयाबीन की फसल को फल धारणा का समय चल रहा है, पर अचानक से सोयाबीन की फसल को पीला मोजाक नाम बीमारी का ग्रहण लग गया और परिसर में के सभी सोयाबीन फसल पीले पड़कर सूखने लगे। किसानों को कुछ समझ पाए उसके पहले ही यह बीमारी पूरे परिसर में फैल गई। इस बीमारी का असर पूरे भीमापुर तालुका में देखने को मिला है। रही बीमारी को लेकर इनबीसीएन न्यूज ने पीला मोजाक का भीवापुर तालुका में संक्रमण की खबर भी लगवाई थी। इस खबर की दखल लेते हुए पंजाब राव कृषि विद्यापीठ ने आज भीवापुर तालुका के खेतों का दौरा किया। इस सोयाबीन खेत को परिसर के 10-12 खेतों का दौरा कराते हुए यहां पीकेवी नागपुर और मंडल कृषि अधिकारी भीवापुर के सभी अधिकारी सोयाबीन फसलों का सर्वेक्षण कराया गया। इस सोयाबीन फसलों में जो पौधा पीला पड़ा हुआ है उसको तोड़ा गया तो इसमें पीली इल्ली को देखा गया। 10 पौधों में से 8 सोयाबीन की पौधों में इस पीली इल्लियों का संक्रमण पाया गया। इस पीली इल्ली ने सोयाबीन के पौधों में अपना घर बना के पौधों को जड़ से खराब किया और पौधा सूखने की वजह से सोयाबीन के पौधे मरने लगे और लगी फल्ली भी जमीन पर गिरने लगी। पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के आए हुए वैज्ञानिक डॉक्टर हरीश सवई कीटक शास्त्रज्ञ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए इस फसल का नष्ट होने की पुष्टि की, पर किसानों से हुई बातचीत में डॉक्टर हरीश सवई ने किसान के पूछे गए सवालों का बराबर जवाब नहीं देने की वजह से किसान भाइयों ने नाराजगी जताई। पर इस आई हुई फसलों को कैसे संभाला जाए, कृषि विभाग द्वारा कोई भी उपाय योजना नहीं बताई गई, इस वजह से किसान आक्रामक हो गए पर इस पर कोई हल नहीं निकाल सका। इस फसलों को अगर 15 दिन से अगर कोई उपायकारक छिड़काव नहीं कराया गया तो सोयाबीन की फसल 100% नष्ट होने के कगार पर है। पहले ही किसान ने बैंक साहूकार से कर्ज लेकर सोयाबीन और अन्य फसलों की बुआई कराई, पर हाथ आई फसलों को इस पीली इल्ली ने पूरे परिसर को तबाह करके रख दिया, पर इस पर कोई उपाय योजना नहीं बताए जाने से कृषि विभाग पर किसानों का रोष देखा गया। इस फसल को देखने के लिए पंजाब राव कृषि विद्यापीठ से डॉक्टर हरीश सवाई, कीटक शास्त्रज्ञ डॉक्टर मोहन पाटिल, पीक रोग शास्त्रज्ञ पंढरी डाखोड़े, कृषि विभाग उमरेड राजेश जारोंडे, तालुका कृषि अधिकारी भीवापुर और कृषि मंडल के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस दौरे में शामिल थे। नेमक त्याच वेळेस या काळामध्ये जो 10-15 दिवस अगोदरपासून जो कंटिन्यू पाऊस आला तो त्याचा इफेक्ट उद्देश आहे की बा याच्यावर नुकसान झालं आहे का? हो, नुकसान दिसतंय। किती टक्के नुकसान दिसतंय आपल्याला? ते आम्हाला आता जे काढतोय आम्हाला तर 20-25% पर्यंत जे मी आता केलेलं आहे त्यांनी नुकसान मी सांगितलेलं आहे ना, तेच तर सांगतोय ना मी की खोडमाशी चक्रभुंगा ह्याचा त्याच्यावर डॅमेज झालेलं आहे हे सांगतोय ना मी। ते आपले फिक्स प्लॉट आणि रँडम प्लॉट आहेत आणि त्याच्यानुसार आमचे लोक फिरत पण आहे आणि मी परवा येऊन गेलेलो आहे 19 तारखेला नांदला पण आलो तुमच्या 4-5 गाव फिरलेलो आणि आमच्या प्रत्येक गावामध्ये आमचे कृषी सहाय्यक जे आहे ते जाऊन दवंडी देऊन किंवा सांगून ग्रामपंचायतीमध्ये सभा घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहे। त्या आधीपासून आम्ही जेव्हा खरीप हंगाम सुरू झाला तेव्हापासून आम्ही गावसभा घेऊन मार्गदर्शन करत आहोत। खरीप म्हणजे पेरणीपूर्व काय करायचं, बीज प्रक्रिया कशी करायची, पेरणी कशी करायची आणि अटकाला तर पहिले निंबूयारकाची फवारणी करायची, नंतर ते प्रॅझोफास असेल किंवा क्लोरोफायरिफास असेल, नंतर कोऱ्याजन मारायचं, हे सगळं आम्ही शेतकऱ्यांना सांगितलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये आम्ही सभेला बोलवलं तर काही शेतकरी सुटून जातात, काही येत नाही। कृषी सहाय्यकांनी कृषी पर्यवेक्षकांनी ते तसं प्रचार आणि प्रसार केलेला। आता हे काय मागचे दिवस पावसाचे होते आणि सतत ते आता सांगता येणार नाही, आता यांचा अहवाल येईल आमच्या कृषी सातत्याने आहे। इनबीसी न्यूज के लिए भीमापूर से राम वाघमारे की रिपोर्ट।